इसराइल की सलामती हो। इसराइल का पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, मैं आपका अपना फराज़ परवेज़ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से ऐसे मुश्किल सवालात जो अभी तक आपके जहनों में उमड़ते होंगे, लेकिन उनके जवाबात आप तक अभी तक नहीं पहुँच सके। आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है, उन तमाम पस पर्दा हकायक को आपके सामने लेकर आना है जो तुहीने मज़हब में फंसे पाकिस्तानी मसीह ख़ानदान, जिनके बेटे, भाई, बाप, ख़ानदान के मेंबर, जिनके ऊपर तुहीने मज़हब के झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और उनको ज़ाती अनाद के ऊपर गिरफ्तार करवाया गया, जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद हैं और न जाने वो किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, और उनके अभी ट्रायल भी नहीं हुए। पाकिस्तान के अंदर मसीहियों को तुलुए आफ्ताब के साथ जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनमें जहालत, हठधर्मी, नाइंसाफी, पस्त गफ्तारी, घटिया अफकारी, अखलाकी लाचारी, गिद्ध सिफ्ती हजूम जो हर वक्त उनको नोचने के लिए, फाड़ने के लिए, खाने के लिए दौड़ते हैं, और जो उनको अपनी ही सफ़ों में मसीहियों को जो नुकसानात हो रहे हैं, जो उनके अपने ही लोग उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बेटियां, बहनें, माएँ जिन मुश्किलात का सामना कर रही हैं, बड़े दुख के साथ बड़ी देर तक इंतज़ार किया कि उन लोगों को वार्न भी किया शायद ये लोग हट जाएं, लेकिन ये ऐसे आकबत ना अंदेश लोग हैं जो अपनी उन तमाम हरकात से बाज नहीं आ रहे, जो एक वैशी किरदारी है उसको रोक नहीं रहे। उन तमाम सवालों से आज कोशिश करेंगे जो बहुत ही मुश्किल सवाल हैं। कोशिश ये करूँगा कि उनके जवाबात मेरे आज के बहुत ही मौजस मेहमान जनाब परवेज़ रोशन साहब, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाबात मैं ले सकूँ। परवेज़ रोशन साहब हमारे द रेफ्यूज ऑफ डेविड के डायरेक्टर हैं मिशन एशिया के थाईलैंड के अंदर, और इनका अपना चैनल भी है DGA BKK 2020। तो आज मैं कोशिश करूँगा उन तमाम सवालों के जवाबात ले सकूँ। तो बहुत बहुत खुश आमदीद सर आपको मेरे इस चैनल पे, आपने मौका दिया, वक्त दिया। तो बहुत ही अहम सवाल है जो मैं आज आपसे करना चाहूँगा। थैंक यू जी सर। तो मेरा सबसे पहला ये आपसे एक सवाल है, तो हिने मज़हब के केसेस में रिहाई पाने वाले मसीहों के मौजूदा जो सूरत हाल है, जो माजी में हमने देखा, अब मैं उन लोगों के नाम भी बता देता हूँ जिनकी रिहाई हुई। सबसे पहले सज्जाद मसीह, उसके बाद हमारा वो जवान नुमान मसीह, नबील मसीह, दो हमारी नर्सिस बहनें मरियम लाल और नविश अरूज, फिर नदीम सैमसन, सावन मसीह, और बहुत से ऐसे मसीह जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, केसेस बहुत हाईलाइट थे। तो एकदम से जो ही उनकी रिहाई हुई, एक्विटल हुए, बरी हुए, तो वो पाकिस्तान में उनको गुम कर दिया गया। उनकी सूरत हाल हम जानने की चाहेंगे कि वो क्या मामला है सर। सबसे पहले तो फराज, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे रिफ्यूज ऑफ डेविड के बहुत बड़े चैनल पर, दुनिया का एक बहुत बड़ा चैनल जहाँ पे बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है हक और सच की जी। और ये दुनिया का वाहद चैनल है जो कि द रिफ्यूज ऑफ डेविड है, जो तुहीन मज़हब के जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर एक जंग कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ ये एक खुदामंद का, इसराइल के खुदा का एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़े उसके कर्म की बात है कि द रिफ्यूज ऑफ डेविड जो है उसके लिए ये सारी खिदमात जो हैं, सारी जो लड़ाई है कानूनी, जहाँ भी कानून के तहत जंग लड़ी जा रही है,
चूंकि द रिफ्यूज ऑफ डेविड हमेशा कानून आइन की बालादस्ती की बात करता है और उन मजलूम लोगों की बात करता है जो तहीने मजहब के जूटे के समय पाबंदे सलासला जी बिल्कुल। तो मुझे आज जब अभी आपने ये मुझे यहाँ पे बुलाया तो मुझे आज एक बहुत ही ज़बरदस्ती शेर याद आ रहा था और वो मैं चाहूँगा कि मैं उस शायर का नाम भी ज़रूर बताऊँ क्योंकि मेरा तल्लक सब जानते हैं जैसे कि जो भी मुझे प्यार करते हैं मेरे नाम से वाकिफ हैं मेरे काम से वाकिफ हैं मेरा तल्लक लाहौर से है। तो वहाँ के हमारे जो एक शायर थे जनाब सागर सदीकी साहब जी, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इस तोहीने मज़हब के लोगों के लिए जो बेचारे इस डिस्क्रिमिनेशन परसिक्यूशन का शिकार होते हैं उनके लिए ये शेर कहा था कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मैंने दरे यार पे पलकों से दस्तक दी है, मैं वो साहिल हूं जिसे अपनी सदा याद नहीं। तो मैं समझता हूं जो लोग इस दर्द को समझते हैं, जो तोहीने मजहब के केसेस में लोग बेचारे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने खानदान बर्बाद कर रहे हैं, आपने जो सवाल किया कि उनकी सूरत हाल क्या है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जिसे रियासत मदीना का नाम भी दिया गया है, नाम दिया गया, हमें दुनिया में कोई वजूद नहीं है रियासत मदीना का, कभी भी नहीं आई हिस्ट्री में रियासत मदीना, जैसी जैसे अब है शायद वैसे भी हिस्ट्री में ऐसे ही है, जंगो जदल लड़ाई झगड़े दूसरे को कमतर दिखाना, ये वही रियासत मदीना का एक मॉडल है जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं जारी और सारी है। और ये कभी कामयाब नहीं हुआ जी बिल्कुल, दुनिया में कभी भी ये रियासत मदीना नहीं आई। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जिके जो डसे हुए लोग हैं तो ही मजहब के उनके खानदानों का किस तरह सत्यानाश हो रहा है, किस तरह बेड़ा गर्क हो रहा है उनकी औरतों के साथ। अब मैं अगर नाम लूंगा और अगर ये वाकयात बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं वो खानदान नहीं बताना चाहता, उनकी बहुत इज्जत है, वो पहले ही बहुत प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, उनके ऊपर बड़े जुल्म सितम हुए हैं कि उनकी औरतों को किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरह उनके साथ जो जिंसी हरासगी है वो की जाती है, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो किस तरह होती है, उनके नाम पे किस तरह पैसे इकट्ठे करके ये लोग अपनी याशियों पे अपने खानदानों को डेवलप करने में और ये अपनी तालीम के लिए अपने बच्चों के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, जो कि फराजा भी इंतहाई घटिया सोच है और जो खुदा के कलाम के भी बिल्कुल एक एंटी जा रही है, लोग जो उनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते जो डोनेशन इकट्ठे करते हैं उनकी आप जाके हालत देखें, आज किसी को भी सामन मसीह की हालत का कुछ पता नहीं है बिल्कुल कि वो किस सूरत हाल में जिंदगी गुजार रहा है, आज किसी को भी नबील की जिंदगी का नहीं पता कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, उस पर क्या बेहतरी है, किसी को नहीं पता सजाद कहाँ है, किसी को नहीं ये खबर कि यार जो जफर भट्टी है उसके ऊपर क्या गुजर रही है, किसी को ये खबर नहीं है कि जो लोग दूसरे हैं और जो नदीम सैमसन है बेचारा कि उसके भाई ने उसके खानदान ने किस तरह थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसकी जो जमानत का इंतजाम किया, जो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है और मुझे अफसोस है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, मुझे आज बहुत अफसोस हो रहा है, क्रिश्चियन तो खुदा के लोग थे यार, ये तो दूसरों के लिए, क्रिश्चियनिटी का मतलब ये है दूसरों के लिए कुर्बानी देना, दूसरों के लिए कुर्बान हो जाना, और फिर मसीह खुदावंद ने वो मिसाल कायम करके बताई दूसरों के लिए कुर्बान होकर। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो इन बेचारों के नाम पे जो पैसा इकट्ठा होता है जो डोनेशन आती है और ये जो डकार मार जाती हैं ये तंजीमें, अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आलमी अदारे एनजीओ जो बड़ी हैं इनका एहतसाब करें, इनकी अकाउंटेबिलिटी करें कि इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा करके कहां पे खर्च किया, क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट है हमारे जरा ये बताते हैं
कि उन तक कुछ नहीं पहुंचता। और जो जैसा कि हमने देखा है नदीम सैमसन के केस में, उन बेचारों ने कितनी मुश्किल से ये सारा काम किया, जिस तंजीम ने, जिस एनजीओ ने, वो जो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस है, उन्होंने जो उनकी हालत की है वो भी हमारे सामने। हम किसी की मुहालफत नहीं कर रहे, लेकिन हकायक आपको बता रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो तंजीमें हैं, उन्होंने वहां पे क्या किया है? हम नाम लेकर उनकी हमीयत को बढ़ाना नहीं चाहते, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, लेकिन लोग वाकिफ हैं उससे, चाहे पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर है, कराची के अंदर है, पिशावर के अंदर है, कोयटे में, जहां भी आप समझें, पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में उनके चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। तो फरासा मैं ये समझता हूं उन खानदानों को बचाने के लिए, ये कहते हैं सोल्यूशन। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उन लोगों को बचाने के लिए, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए, सबको मिलकर, जहां जहां कोई कनाडा में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, पाकिस्तान में है, जहां भी है, वो अपना किरदार जरूर अदा कर, चाहे वो मसीही चर्च से मुंसलिक है, वो किसी एनजीओ से मुंसलिक है। हम इनके किरदार से भी अभी मायूस नहीं हुए, इनकी कारकर्दगी से मायूस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें फन आता है डोनेशन हासिल करने का। और वो डोनेशन अगर वो 10% भी दे दें जो विक्टिम है, जो प्रोसिक्यूटेड है, तो उनके खानदानों को, उनकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा ये कौन से ऐसे चर्चेज या एनजीओज हैं जिनका तौहीन मजहब के अंदर बहुत नुमाया किरदार रहा। माजी में हमने देखा कि जितने भी केसेस होते हैं इसमें ख़ास तौर पे कैथलिक हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आए, और दीगर जितने ही हम डिनोमिनेशंस कह सकते हैं, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, उन्होंने कभी उनकी कोई कारगर्दगी जो थी इतनी नुमाया नहीं हुई। तो ये क्या एक बंदरबांट या ये क्या सिलसिला चल रहा है? क्योंकि तमाम तर ये ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं, इनके आप ईमेल्स चेक करें, आप इनके व्हाट्सएप चेक करें, आप इनके फेसबुक मैसेंजर चेक करें, वो हर एक बंदा इसी जद्दोजहद में होता है कि जनाब गायब जो ज़िबा हो चुकी है तो उसमें से बोटी अपनी वो भी निकालें। तो ये सर क्या सिलसिला चल रहा है, ये क्या ये एक कारीगरी हो रही है? ये आपका जो सवाल है ये बहुत से लोगों को समझने की भी ज़रूरत है कि आपने सवाल क्या किया। दूसरा ये कि जो आपने बात की है, इसे कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग समझने की वो तो समझ गए कि आप क्या कह रहे हैं। अब मैं वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जी, प्लीज़ आप कीजिए। कि जो कुछ आपने कहा है, जो सवाल आपने बनाया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में रोमन कैथलिक चर्च जो है, जो उनकी तंजीमें हैं जी, वो एक अच्छा किरदार अदा कर रही है, अप्रिशिएट करते हैं उनको, उनको वो अप्रिशिएट उनको करना चाहिए जी, बिल्कुल। और उनका वो जो देखे, जैसे अभी हमने बात की वो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की, वो भी उनका तल्लक बेसिकली जो उनकी जो मदर चर्च है उनका, वो कैथलिक है। और ये एक बड़ी खुशायन बात है जो उन्होंने जितना भी उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। देखिए, अब जो बंदा विक्टिम है वो तो अपनी सेफ्टी चाहेगा ना, वो तो अपनी जिंदगी, वो तो जिंदगी की भीख मांग रहा है ना बेचारा। अब जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहे, अब जरा गौर करें मेरी बात को, कि यार इस केस के लोगों का तो कोई वकील भी नहीं होता, तो क्या उस वजीर आजम का बस इतना ही फर्ज था? ये स्टेटमेंट ही बनती थी, आगे उसका कोई काम नहीं बनता कि वो सदर पाकिस्तान से कह के वो सारे लोगों की रिहाई दिलाए? ये किसके अख्तियार में? पार्लियामेंट में वो पेश कर सकता है ना, आए दिन वो आर्डिनेंस जारी करते हैं। तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है जो मुझे सुन रहे हैं, कि जो कैथलिक चर्च का किरदार है इसमें, अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी केस हुए हैं, जिनकी पुश्तपनाई के लिए, जिनकी मदद के लिए आया है, वो सिर्फ कैथलिक चर्च है, जो कि बहुत ही अप्रिशिएट, मैं कहता हूं जितना भी इनको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है जी, बिल्कुल। दूसरा, जिनके बहुत वसाइल है वो है हमारे सामने चर्च ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ शक्लों में है, वो एफजीए के रूप में है, प्रेस्बिटेरियन के रूप में है,
उनके बहुत से दीगर उनके डिनोमिनेशन हैं। मेन तो एंग्लिकन है ना, लेकिन जो एंग्लिकन है इनके पास बहुत वसाइल है और बहुत इनके रिसोर्सिस हैं गवर्नमेंट के अंदर भी दुनिया के अंदर भी, लेकिन सद अफसोस कि उन्होंने कोई भी आज तक ऐसा केस जो हमें नजर नहीं आया जिसकी मदद की हो इस किसी विक्टिम की, इवन के उनकी खानदानों की भी मदद नहीं की गई, किसी की भी आप देखें किसी की भी उन्होंने मदद नहीं की, जो कि एक बहुत ही अफसुरदा और नापुख्तगी और खुदा से दूरी की एक दलील है। बहुत बड़ी नापुख्तगी और खुदा से दूरी की एक हमें दलील मिलती है, हमें आर्गुमेंट मिलता है यार ये लोग क्या कर रहे हैं। कहा चूंकि सबसे बड़ी जो आजादी की जंग है वो प्रोटेस्टेंट लोगों ने लड़ी है, एंग्लिकन लोगों ने लड़ी है, जमहूरियत का जो समर है वो भी इन्हीं लोगों के सबब से है। दुनिया में उनके उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन हम मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान के अंदर चर्च ऑफ पाकिस्तान का ये भयानक चेहरा क्यों है, उनका ब्लैक फेस क्यों है। वो हमारे जो इस केस के अंदर बेचारे लोग फंसते हैं जो जेलों में है आज भी, उनके लिए वो क्यों कुछ नहीं कर सका। तो मेरी दरख्वास्त है चर्च ऑफ पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान से, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 7 बड़े बिशप हैं जो सिर्फ चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं, तो मैं और भी जो प्रेसबिटेरियन के हैं जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशन हैं इवन के ये साल्वेशन आर्मी भी और बहुत, तो इनको भी चाहिए कि कोई अपना एक लाहे अमल बनाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग है जो ये बनाते हैं। क्रिश्चियन तो करते हैं, लोगों को बैप्टाइज तो करते हैं, तो मैं आज इनसे ये पूछूंगा कि क्या आप उनकी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं है, तो लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज ये मैं उनसे उनके लिए सवाल छोड़ के जाऊँ। जी फराज साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी ये जो एंग्लिकन डिनोमिनेशंस हैं जी, वो ये कर रही हैं कि लोगों को बपतिस्मे तो दे रहे हैं, उनको पकड़ते हैं अपने मुफादात के लिए। फिर मैं यही कहूँगा, यही होता है ना जी, जब आपने उनको बैप्टिज्म दे दिया, आपने अपने रिपोर्ट्स बना ली, उसके बाद आप उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, ना वो बेचारे पाकिस्तान में रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते, ना वो खुलकर कहीं काम पर जा सकते हैं, ना वो अपनी आईडी चेंज कर सकते हैं जी। ये तो मसाइल है, उनको छुप कर रहना पड़ता है, छुप कर वो खुदा उनके हजूर झुकते हैं जी। तो तमाम चर्चिज इस बात को भूल जाते हैं, उनको रीसेटल करने में उनकी मदद करें, और ख़ास तौर पे ये जो अभी ख़ानदान वहाँ फंस चुके हैं, जो मुश्किलात का शिकार हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा मुझे और वजाहत करें। जैसे हमने शुरू में एक बात की, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बल्कि दुनिया की हिस्ट्री का बहुत बड़ा केस हुआ उनके ख़ानदान की बच्चियों के साथ, जो ये लोगों ने दरिंदा सिफ्त मैं कहूँगा, जिन लोगों ने एक इंसानियत सोच जो सलूक किया गया अपनी हवस को मिटाने के लिए, तो क्या ये सारे ख़ानदान इन्हीं मुश्किलात से गुजरते हैं। देखें, अब मेजॉरिटी की जो बात की जाए, जो हम तक रिपोर्टें आती हैं, जो हम तक हमारे ज़राए बताते हैं कि अक्सरियत के साथ तो यही हो रहा है, तो इन्हें मदद के तमाम केसेस ऐसे लोगों के साथ अक्सरियत नाम कह लेते हैं, हम सारे नहीं कहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे लोग हैं, उनका दिल दुखेगा, वो परेशान होंगे, तो हम उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अक्सरियत जो हमारे हमें ज़राए बताते हैं कि वो बेचारे इन मुश्किलात का शिकार होते हैं जी। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से ख़ानदानों से मेरी बात होती है जो ख़ास तौर पर तोहीने मज़हब के सताए हुए हैं, जिनके भाई बेटे बाप और ख़ानदान के जो हेड्स हैं, मेंबर्स हैं, जो इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं, वो ख़ानदान अपने घर बार छोड़ के अपने रिश्तेदारों के पास छुपने पर मजबूर हैं। नाइंसाफ़ी और बर्बरियत ये है कि जहाँ जिस घर में वो रहते हैं, वहाँ उन बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ
जो दरिंदगी इख्तियार की जाती है वो मैं बयान नहीं कर सकता। और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, इनके जो लॉयर्स हैं, इनके जो नुमाइंदगान हैं, जो ख़ुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, डिफेंडर कहते हैं, जनाब वो भी उन बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ जो करते हैं वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। वो किराए पर घर नहीं ले सकते, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। वो दर बदर के धक्के और ठोकरें खाने पर इस वक्त मजबूर हैं और ये मसीह के बदन को जो नोच रहे हैं, आप ये सोचिएगा खामोशी में, तन्हाई में बैठ के, कि आप किस नाम के ऊपर उनके साथ ये तमाम जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और सवाल सर आपसे करना चाहूँगा। आपके नज़दीक मुस्तकबिल में करीब तौहीन मज़हब के जितने झूठे इल्ज़ाम जिन पे लगाए गए, और ख़ास तौर पे ये जो व्हाट्सएप वाले, ये तो मामलात होते ही झूठे हैं, एसएमएस वाले, आपको क्या लगता है, क्या इनको पाकिस्तान की आला अदालतों से, लोअर कोर्ट्स में तो ये होता है कि जनाब जजेस जो होते हैं वो भी यंग होते हैं, उनके अंदर एक ईमान जागा रहता है, लोअर कोर्ट्स में प्रेशर भी होता है, ये नहीं कि मैं इससे डिनाइल नहीं करता, लोअर कोर्ट्स के ऊपर जैसे ये तंजीमें होती हैं, जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं उनका बहुत प्रेशर होता है, असर रसूख होता है, जो एफआईआर होती हैं उसमें बड़े फ्लॉज होते हैं क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। लोअर कोर्ट्स के अंदर हमारे लोगों को सजाए मौत सुना दी जाती है और आगे चल के जब हाई कोर्ट ने इनको कंफर्म करना होता है सजाए मौत को या उनकी उम्र कैद को, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में तमाम हमारे उन मसीही बहनों भाइयों को जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद है, क्या इनको पाकिस्तान की अदालतों से कोई रिलीफ मिल पाएगा या नहीं? देखिए, आपने तो सवाल बहुत लंबा कर दिया, चूँकि लोगों को फिर सवाल समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि सवाल क्या था। दूसरा जो सवाल सर मेरा ये है, क्या हमारे तौहीन मज़हब के जो अंदर बंद लोग हैं इनको रिलीफ मिलेगा मुस्तकबिल में? देखिए, रिलीफ कैसे मिल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम सोचे वो रिलीफ, अब पहली बात तो ये रिलीफ मिलता है उन चीज़ों में जिसमें आप ये समझे कि कहते हैं कि रिलीफ क्यों देंगे हम, क्योंकि ये तो उनके ईमान का हिस्सा समझा जाता है। अब कातलों को मिल सकता है रिलीफ, वहां पे ड्रग माफिया को मिल सकता है, शुगर माफिया को मिल सकता है, और ये जो बेचारे बेगुनाह हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिन पे ये लगनी ही नहीं चाहिए, जिन पे ये तौहीन मज़हब का जो कानून है 295A, 295B, 295, इन पे तो बनती ही नहीं है, तो इनको वो क्या रिलीफ देंगे? रिलीफ उन्होंने देना होता तो उनको जेलों में ना फेंकते, उनको आग ही ना लगाते, उनको जलाते ही ना, ये रिलीफ होता है। और आप तवक्को कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान की अदालतों ने कभी इंसाफ नहीं किया, तारीख में अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जो जुडिशरी है पाकिस्तान की, वो मैं इस मौके पर कोई ऐसे, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं ऑलरेडी, मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता, जो जुडिशरी ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है मजमू तौर पर, और जो मिनॉरिटी के लोगों के साथ, और इस केस के स्पेशली इस केस के हवाले से जिसकी बात आप तौहीन मज़हब के अंदर, तौहीन मज़हब का ये जो है उसमें तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया, इतनी इतनी देर कई की साल उनकी जिंदगियां रुल गई, 10-10 साल, और उसके बाद जो बाहर वाले लोग हैं वो खानदान खत्म हो गए बेचारे, वो मारे गए, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को कोई खबर नहीं। अलग है, ये काम तो स्टेट का है ना, रियासत का है ना, उनकी जानो माल का तहफ्फुज करना, ऐसा एक भी तो ये रिलीफ है ना कि चलो कम अज कम उनके खानदान जो बाहर बैठे हैं उनको तो रिलीफ मिले, उनको तो सिक्योरिटी मिले, ये रिलीफ होता है। ये रिलीफ था कि स्टेट अपनी अपनी अपने वसाइल से उन लोगों को वहां से निकालती ताकि ये मारे ना जाए वहां पे।
और ये काम था हमारे जो वहां पे मिनिस्टर बने हुए हैं, जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, जिनके पास इख्तियारात है, जो सिर्फ पैसे खाने, उनमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और जो खास तौर पे ये जो अजाज आलम बैठा हुआ है, ये जो इंसानियत का वजीर बैठा हुआ है, तब जो उसे इंसानियत के शायद उसे मतलब का भी नहीं पता इंसानियत क्या होती है। उसने तो क्या, ऐसे जब वजीर होंगे, जब ऐसी हुकूमतें होंगी, तो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं? नामुमकिन। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि जब रियासत का अपना ईमान अकीदा ही इस्लाम है जी, तो फिर वहां तो ये तमाम तर चीजें, सहूलतें या रिलीफ नामुमकिन ही है। तो नाज़रीन, हमने कोशिश की कि चंद एक चीजें उनको थोड़ा सा दबा कर थोड़े से दबे अल्फाज में आप तक पहुंचा सके। हमने कोशिश की कि उनको बेपर्दा ना किया जाए जी। जो हकायक हम जानते हैं, हम इस वक्त उस खौफ में, पाकिस्तानी मसीह खास तौर पे, हम इस खौफ में जिंदा हैं कि अगर हम हक बात बोलेंगे तो हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा मिशाल खान की तरह, हमें भी जान से हाथ धोना पड़ेगा प्रियंका कुमारा की तरह, कोई हमारी तरफ उंगली उठाएगा तो इन्हें मजहब का झूठा इल्ज़ाम लगाएगा और एक हजूम इकट्ठा होगा, ना वो सबूत मांगेगा ना वो दलील चाहेगा हमें वो कत्ल करने के। हम जिस माशरे में जिंदा रहने के ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ एक जिस्म वही सिर्फ जिंदा है, बाकी हर एक चीज़ मुर्दा है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस जहालत नाइंसाफी को पहचानिए और पहचान के इसकी मजम्मत कीजिए, और जो तोहीन मज़हब के अंदर बंद पाकिस्तानी बेटे, भाई, बाप और फैमिलीज़ के हेड हैं, उन ख़ानदानों के सर पर हाथ रखिए, उनकी मदद कीजिए, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन्स लेके दीजिए, उनके घरों के किराए में उनकी मदद कीजिए, उन बेटियों के सरों को ढांपिए और उनको वहशी दरिंदों से बचाइए। आज का मेरा पैगाम आपके लिए इतना ही है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वो बेटियाँ, बहनें और माएँ उन तमाम वहशी लोगों से महफूज रहेंगी। खुदावंद उनकी इज्जत और आबरू को हमेशा सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फराज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।